थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन हमारे देश की आजादी में बलिदान देने वालों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के वीर सपूतों के बलिदान से सन 1947 में यानी आज ही के दिन भारत के नवीन इतिहास की रचना हुई थी, जिसका ज्ञान युगों युगों तक होता रहेगा। राष्ट्र के सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित अन्य राष्ट्रभक्तों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। विधायक सुभाष सुधा ने अनाज मंडी पिहोवा के प्रांगण में उपमंडल स्तर के 17वें स्वतंत्र दिवस समारोह पर उपमंडल वासियों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय ध्वजारोहण की परेड की सलामी ली। इसके उपरांत विधायक सुभाष सुधा ने स्वतंत्रता सेनानियों और वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित 13 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में तथा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के लिए कारगर साबित कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के लिए किसान सर्वोपरि है। हमारा प्रयास है कि किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ बीज से लेकर बाजार तक हर कदम पर उनकी मदद करने का है। मुख्यमंत्री अतिथि विधायक थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हेडवे पब्लिक स्कूल के बच्चे गुरबख्श सिंह को जिम्नास्टिक प्रस्तुति पर 1100 रुपए की राशि देकर उन्हें सम्मानित किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक थानेसर सुभाष सुधा को उपमंडल प्रशासन की तरफ से एसडीएम सोनू राम ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त विधायक सुभाष सुधा व एसडीएम सोनू राम ने राज्य मंत्री संदीप सिंह के पिताजी सरदार गुरचरण सिंह को शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के मंच का संचालन नित्यानंद शास्त्री ने किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा रंगोली बनाई गई। इस मौके पर एसडीएम ट्रैफिक पुलिस प्रदीप कुमार, नगर पालिका प्रधान आशीष चक्रपाणी, राज्य मंत्री संदीप सिंह के पिताजी सरदार गुरचरण सिंह, जगपाल सिंह, अक्षय नंदा, राकेश पुरोहित, तरुण वड़ैच, बीडीपीओ विकास कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र गर्ग, नगर पालिका सचिव गुलशन कुमार, एसएचओ कुलदीप सिंह, सिटी जीत सिंह सदर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी व अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सर्वप्रथम मैं स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज पूरे देश के अंदर किस तरह से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके साथ ही मेरी रूटी यहाँ पर पेवा में लगी थी। पेवा के अंदर किस प्रकार से बच्चों के अंदर मैंने आज देखा हुनर के अंदर किस प्रकार से उनके अंदर कॉन्फिडेंस छोटे बच्चों के अंदर किस प्रकार से उन्होंने आपके सामने एक कार्यक्रम की प्रस्तुति करी। इकती धूप के अंदर मैं उनका दिल की से बच्चों का धन्यवाद करता हूँ। खासतौर पर हमारे यहाँ पर संग्राम जी जो हमारे अपना एस टी साहब है, प्रदीप जी डीएसपी, इतना मैं कहूँगा अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर किया, अत्यंत इनसे धन्यवाद करता हूँ। देखिए देश के प्रति किस प्रकार से प्यार उभर रहा है, जो आज हम खुली सांस ले रहे हैं और साथ रहे, अगर ये देन है तो शहीदों की देन है, तो बहुत बड़ी बात है। इन शहीदों को हम प्रणाम करते हैं और साथ में ये कहूँगा हमारे शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए, तो उनके मार्गदर्शन पर हमें देश से प्यार करना चाहिए।